राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं ए कोसुंडा, बी आशिया, सी नागदा या डी बेराट। तो इसका सही उत्तर है डी बेराट। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष बेराट से मिले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है? ये प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया था और काफ़ी बार पूछा भी जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शंस हैं ए कालीबंगा, बी आहड़, सी गणेश्वर या डी बैराट। तो इसका सही उत्तर है बी आहड़। आहड़ सभ्यता को ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न। जालोर में चौहान राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसके ऑप्शंस हैं ए धर्मपाल ने, बी समर सिंह ने, सी कीर्तिपाल ने या डी उदय सिंह ने। तो इसका सही उत्तर है सी कीर्तिपाल ने। जालोर में चौहान राज्य की स्थापना कीर्तिपाल ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। पद्मावत की रचना किसने की थी? तो इसके ऑप्शंस हैं ए अबुल फजल ने, बी मलिक मोहम्मद जायसी ने, सी अमीर खुसरो ने या डी फरिश्ता ने। तो इसका सही उत्तर है बी मलिक मोहम्मद जायसी ने। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। अगला प्रश्न। राजस्थान इतिहास कांग्रेस का उदयपुर में आयोजन कब हुआ था? तो इसके ऑप्शंस हैं ए 1769 में, बी 1869 में, सी 1963 में या डी 1999 में। तो इसका सही उत्तर है सी 1963 में। राजस्थान इतिहास कांग्रेस का उदयपुर में आयोजन सन 1963 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। चित्तौड़ के दुर्ग की समुद्र की सतह से ऊंचाई कितनी है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए 1000 फुट, बी 1500 फुट, सी 1850 फुट या डी 2100 फुट। तो इसका सही उत्तर है सी 1850 फुट। चित्तौड़ के दुर्ग की समुद्र की सतह से ऊंचाई 1850 फुट है। चलिए अगला प्रश्न। किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? ये प्रश्न सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शंस हैं ए चक्रायु, बी धर्मपाल, सी नागभट द्वितीय या डी वासुदेव। तो इसका सही उत्तर है सी नागभट द्वितीय। नागभट द्वितीय के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं? ये प्रश्न भी सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शंस हैं ए क्षत्रिय, बी वैश्य, सी शूद्र या डी ब्राह्मण। तो इसका सही उत्तर है ए क्षत्रिय। मंडोर के प्रतिहार क्षत्रिय माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चित्तौड़ का नाम बदल कर रखा गया। इसके ऑप्शंस हैं ए फैजाबाद, बी खिजराबाद, सी चोहाबाद या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी खिजराबाद। चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा गया। ये अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र के नाम पर रखा था। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए बेराट, बी बालाथल, सी कालीबंगा या डी बागोर। तो इसका सही उत्तर है सी कालीबंगा। राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता कालीबंगा सभ्यता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राजवंश की छत्रिया गेटोर में है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए हाड़ा, बी चुंडावत, सी चौहान या डी कछवाहा। तो इसका सही उत्तर है डी कछवाहा। कछवाहा राजवंश की छत्रियां गैटोर में है। अगला प्रश्न है। जोध सिंह सिंह की छत्री कहाँ है? तो इसके ऑप्शंस है ए बाडोली, बी बदनोर, सी मंडाना या डी अलवर। तो इसका सही उत्तर है बी बदनोर। जोध सिंह की छत्री बदनोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ कहाँ बना हुआ है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए
बीकानेर, बी चित्तौड़गढ़, सी जोधपुर या डी जैसलमेर। तो इसका सही उत्तर है बी चित्तौड़। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। अगला प्रश्न है, आहड़ जो कि उदयपुर में है, सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में खुदाई की गई? तो इसके ऑप्शंस हैं ए एच डी सांकलिया, बी वी बी लाल, सी अक्षय कीर्ति व्यास या डी बी के थापर। तो इसका सही उत्तर है अक्षय कीर्ति व्यास। आहड़ की सर्वप्रथम खुदाई अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में की गई। अगला प्रश्न, 1205 में जालौर का शासक कौन बना था? तो इसके ऑप्शंस हैं ए धर्मपाल, बी कीर्तिपाल, सी समर सिंह या डी उदय सिंह। तो इसका सही उत्तर है डी उदय सिंह। 1205 में जालौर का शासक उदय सिंह बना था। अगला प्रश्न, चित्तौड़ के राणा रत्न सिंह किस वंश के थे? ये प्रश्न भी सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शंस हैं ए चंदेल वंशीय थे, बी चौहान वंशीय, सी गुहिल वंशीय या डी परमार वंशीय। तो इसका सही उत्तर है सी गुहिल वंशीय। चित्तौड़ के राणा रत्न सिंह गुहिल वंशीय थे। अगला प्रश्न, ये प्रश्न आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2006 में पूछा गया था। आदिवराह की उपाधि किस शासक ने धारण की? तो इसके ऑप्शंस हैं ए परमार भोज, बी मिहिर भोज, सी पृथ्वीराज या डी विग्रहराज। तो इसका सही उत्तर है बी मिहिर भोज। आदिवराह की उपाधि मिहिर भोज ने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये प्रश्न भी सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया था। चौहान राजवंश का संस्थापक शासक है? तो इसके ऑप्शन हैं ए वासुदेव, बी अर्णोराज, सी सोमेश्वर या डी पृथ्वीराज तृतीय। तो इसका सही उत्तर है ए वासुदेव। चौहान राजवंश का संस्थापक शासक वासुदेव था। अगला प्रश्न देखते हैं, जयपुर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो इसके ऑप्शंस हैं ए करण सिंह द्वारा, बी जयसिंह द्वितीय, सी मानसिंह या डी अनूप अनूप सिंह। तो इसका सही उत्तर है बी जयसिंह द्वितीय द्वारा। जयपुर का निर्माण जयसिंह द्वितीय द्वारा कराया गया। अगला प्रश्न, मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? यह प्रश्न थर्ड ग्रेड 2009 में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शंस हैं ए नागौर, बी जोधपुर, सी उदयपुर या डी चित्तौड़गढ़। तो इसका सही उत्तर है डी चित्तौड़गढ़। मध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्तौड़ का पहला शाका कब हुआ? तो इसके ऑप्शंस हैं ए 1203 में, बी 1103 में, सी 1303 में या डी 1803 में। तो इसका सही उत्तर है सी 1303 में। चित्तौड़ का पहला शाका 1303 में हुआ था। अगला प्रश्न है, जीजाबाई कौन थी? तो इसके ऑप्शंस हैं ए अकबर की माता, बी शिवाजी की माता, सी मराठा की माता या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी शिवाजी की माता। जीजाबाई शिवाजी की माता थी। अगला प्रश्न, किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रशैली अपने चरम पर थी? तो इसके ऑप्शंस हैं ए महाराजा अनूप सिंह, बी राव सुरजन सिंह, सी राजा नागरीदास या डी राजा प्रताप सिंह। तो इसका सही आंसर है सी राजा नागरीदास। राजा नागरीदास के शासन काल में किशनगढ़ चित्रशैली अपने चरम पर थी। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने अपने शासन काल में हिंदू मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की थी? और उस हिंदू मनसबदारों में राजपूत और मराठा अत्यधिक थे। तो इसके ऑप्शंस हैं ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या डी औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर है डी औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की थी। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।